सर, ये जिस मुल्क में इतने मसले हो, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, लोगों को रोटी पानी का मसला हो, उस मुल्क में जब आपको छोटी छोटी खुशियों की चीजें होती है ना, उनमें से क्रिकेट एक है। और इन्होंने आज इनकी वो क्रिकेट की खुशी ली। कसम वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे हैं, कल रात ये लोग पिज्जे खाते रहे हैं। इन्होंने क्रिकेट छुटाओ तो दंगल लड़वाओ, इनसे कहो दंगल लड़े, मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं। रोऊंगा मैं, पूरा रोऊंगा, दिल खोल के रोऊंगा यार, धुआंधार रोऊंगा, बस रोऊंगा। बर्गर खुवाओ, इन्हों लैके चलो लाहौर, उठे पराठे खुवाओ, कढ़ाइया खुवाओ, इन्हों के टेढ़ा टे वे कराओ। ये क्या हो रहा है इधर? हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते हैं, कोई फिटनेस का ख्याल नहीं यार। भाई जज्बा सिंसियरिटी होती है ना जब, तो आपको पता होता है मैंने कितना खाना है, कितनी कैलोरीज अंदर लेके जानी, कितनी मैंने ट्रेनिंग करनी है। आप रात को आइसक्रीम खा रहे हो, मजाक हो रहा है? लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, तो गान मारा, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। फराज के बारे में क्या कहेंगे, फैसले जो गलत? फराज साहब नु कौन नींद की गोलियां खान, वो पीछे बह गया। नहीं यार, नहीं ऐसे नहीं, देखो रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रह के अपने प्लेयर्स को हमने क्रिटिसाइज